की है, हजारों की तादाद में एनजीओस बनाए गए हैं जो बच्चों की परवरिश और उनकी तरबियत के लिए काम करते हैं, मगर मेरे पीछे बैठे ये बच्चे, ये बलोचिस्तान के बच्चे हैं, ये पैदाइशी तौर पर अपने वालिद को नहीं जानते हैं, अपने वालिद उनसे उनका बचपन का हक छीना गया है। कुछ अदारे यहाँ इस्लामाबाद में आए, उन्होंने कहा हम इन बच्चों को किताबों से जोड़ेंगे, उनको खेलना कूदना सिखाएंगे। यकीन करें हमारे बच्चे खेलना कूदना भूल चुके हैं, वो बस उस तस्वीर को उठाए बैठ जाते हैं। जिस उम्र में आप अपने बच्चों को बोलना सिखाते हैं, उस उम्र में हमारे बच्चे नाराज नारे लगाते हैं। जिस उम्र में आपके बच्चे जो है ना आपके स्कूलों में पोएम्स और नज़्में नहीं गा सकते हैं, उस उम्र में हमारे बच्चे जो है ना तकरीरें करते हैं, जिन तकरीरों को आप पोस्ट कर रहे होते हैं, उस अमल को देखिए जिस अमल से हमें खुशी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि अली शेर तकरीरें करे, मैं नहीं चाहती कि खलील अहमद के जो तीन बच्चे हैं उनकी उनके बचपन की यादें ये पोस्टर्स बने, लेकिन बनाए गए हैं। ये वो जबर है जो किसी ने नहीं देखा। खवातीन के हकूक पर बनाई गई सारी तंजीमें क्या जाती है कि बलोच खवातीन किस अमल से गुजर रहे हैं? बलोच खवातीन जो इज्तिमाई ज्यादती का शिकार है, बलोच खवातीन, ये पीछे जो लोग बैठे हैं ना, ये वो विटनेसेस हैं जिनके प्यारों को आपने गुमशुदा किया, लेकिन वो आज भी आपके सामने खड़े हैं। उनकी जिंदगी के एक एक लम्हे को आप अगर देखें और सोचें ना, तो आप उस दर्द और तकलीफ को सोच ही नहीं सकते हैं। बलूचिस्तान में वो लोग जो इंसानी हकूक पर बात करते हैं, जो कौमी जद्दोजहद करते हैं, एक्टिविस्ट, साथी, टीचर, जब वो अपने हक के लिए बात करते हैं, तो आपकी बेशरम, मैं बेशरम ही कहूंगी, बेशरम रियासत जो है ना जाकर उनकी औरतों को अब्दक्ट करती है, जाकर उनकी औरतों को जो है ना अगवा करती है और उनको इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाती है। ये है बलूचिस्तान का वो चेहरा, ये आपका रियासत का वो चेहरा जो आपको किसी ने नहीं दिखाया। मैं अब जब सोचती हूँ कि डर क्या था उन्हें, जब हम इस्लामाबाद आए तो उनको डर क्यों था कि हम नहीं आए, और आज ये बौखलाहट का शिकार इंतजामिया है, वो डर रहे थे कि बलूचिस्तान की माएं उनके करतूत लेकर आएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जमहूरियत कहाँ है, पूरी दुनिया को बताएंगे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस रियासत की बुनियादें कितनी खोखली है, इसके अदारे कितने खोखले। आपने इस पैगाम को, इस आवाज को छुपाने की कोशिश की, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये आवाज नहीं ललकार है। आज भी पूरे बलूचिस्तान से हमें कॉल आ रहे हैं, सब चाहते हैं कि वो आए इस्लामाबाद में बैठे, आए इस्लामाबाद को वो घिनौना चेहरा उनकी रियासती सिपाहियों का दिखाए जो उन्होंने कभी नहीं देखा है। क्या आपको पता है, आप में से सबके बच्चे होंगे और आप अपने बच्चों को तालीमी अदारों में भेजते हैं पढ़ने के लिए, हमारे तालीमी अदारों को भी आप लोगों की रियासती फोर्सेज ने मिलिट्री छावनी बना रखा है। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में एफसी का एक कैंप कायम है, ब्यूटन्स में एफसी के एहलकार जो है ना मशके करते हैं, फौजी मशके करते हैं। बलोचिस्तान में जो है ना आपकी रियासती फोर्सेज ने वीडियो स्कैंडल में, औरतों की वीडियो स्कैंडल में मुलविस रहे हैं आपकी रियासती फोर्सेज। बलोचिस्तान में एक भी तालिब इल्म पुरअमन तौर पर अभी पढ़ाई नहीं कर सकता है, उसको इस हद तक जहनी टॉर्चर का निशाना बनाया गया है कि वो अपनी जिंदगी से बेजार है। बलूचिस्तान में आधी से ज्यादा आबादी मेंटल डिप्रेशन का शिकार है। बलूचिस्तान में एक नौजवान जो 21 साल का है, उसको नींद नहीं आती आप लोगों की वजह से। आप इस दर्द को, इस कर्ज को कब तक छुपाते रहेंगे? ये लव, ये दर्द, ये तकलीफ, ये अल्फाज बहुत कम है उन 70 सालों के जबर को बयान करने के लिए। वो 70 साल जो बलोच ने गुजारे हैं, जहां सिर्फ मतलब शुदा लाशें हैं, जहां वो लोग, वो साफी हजरात जो पूछते हैं कि बताएं बलोचिस्तान में जबरी गुमशुदगी क्यों होती है, मैं उनसे ये कहती हूँ कि आपका ये सवाल ही जस्टिफाइबल नहीं है। ये सवाल आप उन लोगों से पूछे जिन्होंने सबसे पहले बलोचिस्तान में ताकत आजमाई की। ये सवाल आप उनसे जाकर पूछे, हम भी ये सवाल कर रहे हैं कि बलोच क्यों आज आपकी रियासत की सारी सतूने, जब आप जो है ना बैंकरप्ट हो जाते हैं तब आप बलूचिस्तान में हुए वसाइल का सौदाबाजी करते हैं, जब आप बैंकरप्ट हो जाते हैं तब आपके लिए ऑक्शन में रखी हुई चीज एक ही होती है, वो बलूचिस्तान का वसाइल होता है। बलूचिस्तान के लोगों को आपने कीड़े मकोड़ों की किसी भी अर्जियत नहीं दी है,
बलूचिस्तान के लोग आपके लिए वो है कि इनको मारा जाए, इनको घसीटा जाए। शायद इस मुल्क में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां आपको वीजा के लिए वीजा के जरिए जाना पड़ेगा। आज पाकिस्तान के वो शहरी अगर वो बलूचिस्तान का दर्द समझना चाहते तो आए हमारे इलाकों को देखे, आए मशके देखे, आए आवारात को देखे, जहां हर घर में फौजियों ने जो है ना अपने गोले दागे हैं, जहां हर घर में गोले दागे गए हैं, जहां हमारी इतनी बड़ी आबादी है उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया है। किस लिए? सुकून के लिए, अमन के लिए। कहां जाए हम लोग? आपने हमारी जमीन हमारे लिए ही तंग कर दी है वो जमीन। मैं सवाल करती हूँ उन सबसे, अगर आपको अगर आप इस दर्द इस तकालीफ को नस्ल खुशी नहीं कहते हैं तो मैं किस नस्ल खुशी होती क्या है? क्या बलोच के खून की अहमियत नहीं? क्या वो लाशें जो आप गिरा रहे हैं, क्या हमारी लाशें हमारी लाशों की कोई अहमियत नहीं है? ये मुतासाबाना रवैया क्यों क्यों आपने आज तक 70 सालों से ये सवाल जो है ना रियासी अदारों से नहीं किया? आपने आज तक ये सवाल जो है ना आप में से किसी ने भी नहीं देखा कि बलोचिस्तान किस आग में जल रहा है? बलोच, वो बलोच जिसने हमेशा से अपनी औरत को इज्जत दी, आपने उसकी औरत को अपनी गलियों में घसीटा, आपने उसकी औरत को मारा, उस जब्र को आप क्या वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस जब्र को, उस तकलीफ को? हमसे ये पूछा जाता है कि इस तहरीक का आगे कल अमल क्या होगा? ये तहरीक पूरे बलोचिस्तान की तहरीक है और ये मैं वाजिह अल्फाज में कहना चाहती हूँ, ये बलोच नस्ल खुशी के खिलाफ तहरीक है। आपने हमारे 7 नस्लों को मारा मुजाकरात के नाम पर, नौरोज खान को कुरान का वास्ता देकर उनको भी कत्ल कर दिया। आपको लगा कि नौरोज खान के कत्ल के बाद शायद बलोच जो है ना खामोश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा होगा भी नहीं। आपने 2006 से लेकर आज 2023 तक बलोचों की वो एसेट्स जो बलूचिस्तान की तकदीर बदल सकते थे, आपने चुन चुन कर उनको मारा, चुन चुन कर उनको मारा और उसको जस्टिफाई किया। सवाल ये नहीं पूछा जाए कि बलोच क्यों जिबरी गुमशुदा होते हैं, सवाल ये पूछा जाए कि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान का आईन बलोचिस्तान में क्यों नाफिज नहीं है? क्या पाकिस्तान में सिविल डेमोक्रेसी है? सिविल डेमोक्रेसी है तो पाकिस्तान की जुडिशरी जो है ना आज तक लापता अफराद के जो केसेस उनके अदारों में उनकी अदालतों में जमा है उन पर क्यों फैसला साजी नहीं कर सकी? क्या पाकिस्तान की जो असेंबलियां हैं उनके पास बलोचिस्तान के मसले का हल क्या है? उन्होंने क्यों अपनी 80% आपके मुल्क का 80% जो वसाइल जो दिफाई बजट में आप देते हैं ना, उस 80% से जो है ना हमारे हमारे हमें कत्ल किया जाता है, आपके टैक्स से हमारे वसाइल से हमें कत्ल किया जा रहा है। दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया के साइंसदानों ने रिसर्च बेस पे कहा है कि न्यूक्लियर वेपन से इंसानी जानों को नुकसान हो सकती है, जमीनों को नुकसान हो सकती है, लेकिन क्या आपको पता है 1998 में जो जोहरी टेस्ट बलूचिस्तान में किया गया वो आम आबादी के ऊपर किया गया, उसकी वजह से चागी में आज भी अब नॉर्मल बच्चे हैं, आज भी माजूर बच्चे हैं, आज भी वहां एक माँ भी एक नॉर्मल बच्चे को पैदा नहीं कर सकती है। वो बलूचिस्तान जो अपने नायाब वसाइल के लिए जाना जाता था, आज उस बलूचिस्तान को आपने नायाब मौजी बीमारियों कैंसर की बीमारियों की जगह बना दिया, डेरा बना दिया है, और उसी बलूचिस्तान में जिसको आपने कैंसर ज्यादा कर दिया है वहां कोई मेडिकल टेस्ट भी अवेलेबल नहीं है, ना ही वहां पर जो है ना एक ऐसा हॉस्पिटल है जो लोगों का इलाज कर सके। और आप फिर कहते हैं कि ये नस्ल खुशी नहीं? आपको क्यों लगता है कि इंसान और खासकर बलोच की तारीख जाए उठाए बलोच की तारीख को देखें? ये लोग जो यहाँ आए हैं ना, इनसे हजारों की तादाद में लोग यहाँ आ सकते हैं, हजारों की तादाद में लोग उठे हैं, ये अपने खानदानों को नहीं भूलेंगे और ना हम भूलने देंगे, क्योंकि हमारा वजूद एक कौम की हैसियत से है, हम इज्तिमाई तौर पर जीते हैं और इज्तिमाई तौर पर मरते हैं। अगर आपको आप बलोच से छुटकारा चाहिए तो आप अपने एटमी बम बलोच पर मारकर उसको खत्म कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जब तक वो लाश बालाज की नहीं थी, वो बलोचिस्तान की थी और वो बलोचिस्तान उसके लिए सरापा एहतजाज है। हम वो कौम है जिन्होंने इज्तिमाई तौर पर जिंदगी की है और इज्तिमाई तौर पर ही हम अपनी कौम का बका करेंगे। थैंक यू।